हम बात कर रहे हैं नायका की। आज के दिन की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक हम देख सकते हैं 200 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जब गिरावट आई थी, गिरावट के बाद जंप ब्रेकआउट नहीं कर पाया, रिजेक्शन के बाद अपने सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया था। हमने डिस्कस किया था कि नीचे की ओर 200 और मेजर सपोर्ट रहेगा 190 का लेवल। यहाँ तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है, 190 तक का, ऐसा हमने डिस्कस किए थे। देख सकते हैं अपने सपोर्ट लेवल पर स्टॉक नज़र आ रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से 200 का लेवल भी ब्रेकडाउन कर सकता है। अगर ब्रेकडाउन कर गया तो 190, जहाँ से इससे पहले हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली थी, बड़ा जंप देखने के लिए मिला था, तो 190 तक का भी फिर फॉल हमको स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अगर 200 के ऊपर ही स्टॉक सस्टेन होता है और बाउंस बैक करता है, तो वैसी कंडीशन में जब 210 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा और इसके ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग भी दे गया, तो फिर यहाँ से अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ से अपसाइड दिखाता नायका नज़र आ सकता है। तो बाउंस बैक करके अगर 210 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया, तो वैसी कंडीशन में नेक्स्ट टारगेट जहाँ से रिजेक्शन लिया था 220 का लेवल, और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर अपने इस हाई को यानी 52 वीक हाई 230 का लेवल भी ब्रेकआउट कर सकता है, फिर 240 तक के टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक में गिरावट है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन कर गया तो 190 के आसपास ही फिर एक मौका बनेगा, जैसे 192-190 का लेवल इसके आसपास मौका बन सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।